हरपालपुर की युवाओं ने उत्साह के साथ ली कोविड वैक्सीन की डोज। आज दिनांक 24 मई को 175 लोगों ने ली पहली डोज। 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण में लिया हिस्सा। 175 पहुंची युवाओं की संख्या हरपालपुर। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच उसे मात देने के लिए टीकाकरण अभियान में युवाओं ने भारी संख्या में पहुंचकर टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। नगर हरपालपुर में सोमवार को करीबन 10 बजे के लगभग युवा पड़ियों सहित महिलाएं व पुरुषों ने वैक्सीनेशन केंद्र शासकीय बालक उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे, जिसमें 18 वर्ष से 44 उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग निकले वैक्सीनेशन करवाने। केंद्र पर युवाओं ने पहुंचकर भारी संख्या में लगवाए कोरोना टीका। टीका लगवाने के पहले युवा पीडीओ ने अपने फोन की गूगल आईडी पर कोविड-19 की साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन किया और ऑनलाइन स्लॉट बुक किया। इसके बाद वैक्सीनेशन केंद्रों में पहुंचकर अपने नाम और उम्र और मोबाइल न दर्ज करवाए। इसके बाद नंबर आने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें 18 उम्र से अधिक लोगों को 175 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है, जबकि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या पहुंची 16। इसी क्रम में युवाओं ने कोरोना को मात देने के लिए आगे आकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर में पदस्थ डॉक्टर जगदीश कुमार ने बताया, स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत वैक्सीनेशन केंद्र पर 18 उम्र से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन किया गया है, जिसमें युवाओं सहित महिलाएं व पुरुषों ने बड़े उत्साह के साथ आगे आकर अपनी जिम्मेदारी समझी है और वैक्सीनेशन करवाकर और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा 5 बजे तक वैक्सीनेशन जारी रहेगा, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने 175 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है, जबकि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने 16 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। प्रोटोकॉल का तहत वैक्सीनेशन किया गया। लगातार लोगों को जागरूक कर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की अपील की गई, साथ ही ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने की नगर के लोगों से अपील की गई, ताकि इस कोरोना की चैन को तोड़ सकें। कुलदीप वर्मा, बुंदेली न्यूज चैनल, हेड हरपालपुर। आपका नाम क्या है? प्रदीप नगरी है। अच्छा, क्या समस्या है आपको? यहाँ पे जो टाइमिंग पूरी बेकार है और कोई भी एक शेड्यूल टाइमिंग नहीं है। अच्छा। मतलब जो टाइमिंग हमें दी गई थी उस पे तो लग ही नहीं रहा ना। अच्छा। जो पहले आ रहा वो पहले ले जा रहा, मुँह देखा व्यवहार हो रहा है। आपने स्वास्थ्य कर्मी से बात की? बिल्कुल की, अभी मैंने लाइन लगवा दी है और आप इसी क्रम में चलने दें। अच्छा। तो आप लोगों से भी आग्रह है, पत्रकार बंधुओं से, कि आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पे कि ये टाइमिंग से नहीं लगते जाए। जो स्लॉट टाइमिंग बुक किया है उसी पे उनको लगना चाहिए। मैं किसी के लिए सपोज नहीं कर रहा कि वही उसको पहले लगा दूं, टाइमिंग पे रखें आप सारा। प्लस लोगों का क्या कहना है सर, क्या हो रहा है टीकाकरण? सर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर के अंतर्गत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लोगों ने बहुत उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अभी तक 120 लोगों को टीका लग चुका है। आगे भी हमारा अभी वैक्सीनेशन जारी है, 5 बजे तक लगाएंगे हम। और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप जितना लोगों के लिए अवेयर फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। सर, ऐसे में कई लोगों को ये परेशानी आई है कि जैसे जो लोग पहले आए और जो लोग बाद में आए उनको टीका लगा है, पहले वालों को नहीं लगाया, सर ऐसी बातें भी सामने आई है, इस पर क्या कहना है सर आपका? नहीं, ऐसा अभी मैंने दिखवाया है, ऐसा हमारे एक प्रोटोकॉल होता है कि पहले एंट्री की जाती है रजिस्टर में, उसके बाद ही हम वेरिफिकेशन किया जाता है, फिर वैक्सीनेशन हुआ जाता है। सर कहीं ना कहीं शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं हुआ सर यहाँ पे? अभी व्यवस्था देखी है, ठीक है अभी।